हेलो फ्रेंड्स, नाम है आयुष। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कैसे आप किसी भी आईफोन ये एप्पल के लोगो वाला फोन का डेट ऑफ एक्टिवेशन या डेट ऑफ परचेज जान सकते हैं। किस दिन उसको एक्टिवेट किया गया था पहली बार और कब से उस आईफोन की एप्पल ने वारंटी शुरू की थी, मतलब आपको मिला के उसकी एक डेट ऑफ परचेज जान सकते हैं। अगर सामने वाला आपको बिल देने से मना कर देता है, सेकेंड हैंड मार्केट से आप काफी बार फोन लेते होंगे, जो आपके एरिया में सेकेंड हैंड फोन सेल करता है उससे लेते होंगे, तो कहता होगा भाई 1.5-2 साल पुराना फोन है, 3 साल पुराना फोन है, कोई कहता है 2.5 साल पुराना फोन है, और आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता है कितने साल पुराना फोन है। और अगर आप कैसीफाई से भी फोन मंगा रहे हैं या फ्लिपकार्ट से सेकंड हैंड ले रहे हैं टू गुड के थ्रू या फोन प्रो किसी से भी आप ले रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता होता है कि ये जो आपने आईफोन लिया है इसकी डेट ऑफ परचेज क्या है। पर इसको भी निकालने का एक तरीका होता है, जैसे कि आप ये चेक कर सकते हैं हमें नंबर पेश करके कि आईफोन जेन्युइन है कि नहीं है, ठीक उसी तरीके से एक आप ये भी निकाल सकते हैं कि डेट ऑफ परचेज क्या है पर्टिकुलर आईफोन की। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको सिंपली एक आईफोन चाहिए जिसकी आपको डेट ऑफ परचेज निकालना है, और आपको क्या क्या करना है स्टेप को फॉलो करिए। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करने जा रहा हूं, तो उसको फॉलो करिए और आप भी डेट ऑफ एक्टिवेशन किसी भी आईफोन की निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली आपको मेरी स्टेप फॉलो करनी होगी। एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है और रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। तो आपको सिंपली सफारी ओपन कर लेना है, और सफारी ओपन करने के बाद आपको एक न्यू टैब लेना है। न्यू टैब पे उसके बाद आपको एक और बता दें कि जिस भी आईफोन की आप डेट ऑफ परचेस निकाल लें, डेट ऑफ एक्टिवेशन निकाल लें, उसमें एप्पल आईडी से लॉगिन होना कंपलसरी है। अगर उसमें एप्पल आईडी से लॉगिन नहीं होगा तो आप उसकी डेट ऑफ एक्टिवेशन या डेट ऑफ परचेस नहीं पता चलेगी। डेट ऑफ एक्टिवेशन जो पता चलेगी वो पहली पता चलेगी, मीन्स पहली बार उसको कब एक्टिवेट किया गया था वो डेट होती है। अब 6 बार उसको रीसेट करके एक्टिवेट किया गया तो वो नहीं आएगी निकल के। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, mysupport.apple.com/products पे आपको सर्च करना होगा। मैं तल लिख के यहां से आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे स्लैश लगा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स, गो कर दीजिए। सिंपली लोडिंग होगी और एक एप्पल की वेबसाइट आपके सामने आएगी। आप मेरे यहाँ पे फिंगरप्रिंट मांग रहा है, मीन टच आईडी मांग रहा है। अगर आपके पास XR 10S 11 12 ले रहे हैं तो उसमें फेस आईडी से ऑथेंटिकेशन होगा, तो मैं फिंगरप्रिंट यहाँ लगा देता हूँ अपना, और ये फिंगरप्रिंट इसने ले लिया है, डन। और यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, वही एप्पल आईडी से लॉगिन होगा जो इस फोन में है। इस फोन में जो एप्पल आईडी लगी होगी सेम उसी आईडी से लॉगिन हो जाएगा, और आपको जो जो डिवाइसेस में ये एप्पल आईडी लगी होगी वो लिस्ट आ जाएगी। तो जैसे कि ये आईफोन 8 प्लस है तो मैं ये देख रहा हूँ कि 8 प्लस की डेट ऑफ परचेज क्या है, तो आईफोन 8 प्लस लिख के आ रहा है। सिंपली मैंने इस पर टैप कर दिया तो आप देख सकते हैं मॉडल नंबर और मॉडल कौन सा है 8 प्लस, उसके नीचे मॉडल नंबर, उसके नीचे डेट ऑफ परचेज निकल के आ रहा है। तो डेट ऑफ परचेज की है 28 नवंबर 2017। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप किसी भी आईफोन की डेट ऑफ परचेज निकाल सकते हैं। सिंपली आपको उसमें अपनी आईडी से या फिर किसी भी आईडी से लॉगिन कर दीजिए और फिर सफारी पे जाइए और सर्च करिए mysupport.apple.com/product और आईफोन की डेट ऑफ परचेस निकाल लीजिए, जिससे कि आप जब भी कभी सेकंड हैंड फोन आईफोन ले और बिल ना हो तो आपको सामने वाला चूतिया बना के 1 साल 1.5 साल 2 साल बोल के आपको बेच के ना चला जाए। वैसे जो नए आईफोन आते हैं उसमें जब डेट ऑफ अगर वारंटी होता वो शो करता है, पर उसके बाद वो शो करना बंद कर देता, कहता है कवरेज एक्सपायर हो गया, पर ये नहीं बताता कि उस दिन एक्सपायर हो गया। तो उसको भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं और कहीं ना कहीं आप थोड़े पैसे अपने बचा सकते हैं। हो सकता है वो सामने 2 साल बोले और फोन 1.5 साल पुराना निकले, नहीं हो सकता है सामने वाला आपके 1.5 साल पुराना फोन बोले और जब आपने चेक किया 2 साल पुराना निकले, तो इस तरीके से आप उससे नेगोशिएशन करके कुछ पैसे भी बचा लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना फॉर द लेटेस्ट एंड अमेजिंग वीडियोस। इसी प्रकार के वीडियो मैं चैनल पर लेके आता रहता हूं, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट बताना कैसा लगा आज का वीडियो, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।